भागे, अगर उनको पता लग गया ना कि आप उनके मना करने के बावजूद यूनिवर्सिटी गई थी तो फिर क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनम और महम कहाँ हैं? अपने कमरे में। आज वो घर पर ही थी ना? हाँ जी, दोनों ही घर पर हैं। झूठ मत बोलो। शक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तुमने बहुत अच्छी तरह से मुझे एहसास दिला दिया कि तुम्हारी नजर में बाप की क्या वक्त है। सॉरी अब्बा, लेकिन आप भी तो सोचिए ना कि मेरा फाइनल एयर है, मेरा करियर सब कुछ बर्बाद हो जाता। आज टेस्ट था मेरा। क्या किरदार करियर से ज्यादा अहम? और जो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी किरदार कशी हो रही, जानती हो ना तुम? लोगों को तो बातें बनाने का मौका चाहिए। कोई मौका देता है तो बातें बनती हैं। मैंने इसे बहुत रोका यूनिवर्सिटी जाने से, इसने मेरी एक नहीं सुनी। देखो ना, एक बात मेरी याद रखना, जो औलाद माँ बाप की नाफरमानी करती है अल्लाह भी उसे आजमाइशों में डाले रखता है। ये अलग बात है कि औलाद ना समझे। अरे मैंने तो तुम लोगों पे कभी पाबंदी लगाने का सोचा ही नहीं। मैं तो उन बापों में से हूं जो अपनी सांसें बेचकर भी अपनी बेटियों की खुशियां खरीदना चाहता है। अब्बा, हमें आप पे फखर है। मेरी बेटियां भी मेरा मान है, लेकिन मैंने अनम की शादी का फैसला कर लिया। क्या शादी? क्या आप मेरी शादी का फैसला कैसे कर सकते हैं अब्बा? मैं फैसला कर चुका हूँ। ये मेरी जिंदगी है और इसका फैसला मैं खुद करूंगी। मैं तुम्हारा बाप हूँ और अल्लाह ने मुझे पूरा इख्तियार दिया है कि जो तुम्हारे लिए बेहतर समझूं वही करूं मैं। इख्तियार दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी शादी किसी से भी करा दें। खबरदार अनम, ये बाप के सामने जबान चलाइए। मेरी इतनी सी गलती कि आप लोग मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे? पहले मेरी तालीम छुड़ा दी, अब मेरी शादी करना चाहते? किसी जाहिल गवार से शादी कर देंगे, बोलेंगे कि तुम्हारे लिए यही बेहतर था। अब्बा, ये जुल्म मैं अपने साथ नहीं होने दूंगी। तुम अपने बाप को इतना जालिम समझती? अरे ये हाथ तुम लोगों की परवरिश करते करते बूढ़े हो गए, तुम लोगों की अच्छी तालीम आसाइशें देते देते उम्र गुजर गई और अब तुम्हें अपने बाप की मोहब्बत पर एतमाद नहीं है? आपी, अब्बा ने जो फैसला किया वो ठीक किया और तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम तो चुप करो अब्बा, तुम्हारे साथ ही करते, तुम भी ऐसा कुछ करती पे हरगिज नहीं। मुझे अब्बा और अम्मा के प्यार पर ना यकीन है। ना अच्छा हमारे बारे में और कोई नहीं सोच सकता। आपी, तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? शुक्र है कि तुम समझदार हो। तो जज्बाती होकर सोचती। अरे समझाओ इसे, इन हालात में इसकी शादी का फैसला ही बेहतर है। मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार गुजार के थक गई। मैं तालीम हासिल करके मैं हालात बेहतर करना चाहती हूँ। अब्बा, मैं बता रही हूँ कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। अभी चुप हो जाओ प्लीज। आया पेश करने चले चले अब्बा।